सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं देने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल टियर 2 का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि ऑल बोर्ड पे है, और आज ये शाम 7 बजे तक ये वैलिड है। तो आप भी दे दें इस टेस्ट को, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट ऑल बोर्ड का, देखते हैं इसमें अपना स्कोर कितना रहता है। सो लेट्स बिगिन द टेस्ट। सो पहले मैं करने वाला हूँ रीजनिंग से, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ़ येल्लो इज़ रिटन एज ब्लू, ब्लू इज़ रिटन एज रेड, रेड इज़ रिटन एज ग्रीन, ग्रीन इज़ रिटन एज वाइट, एंड वाइट इज़ रिटन एज ऑरेंज, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। सो ह्यूमन ब्लड तो रेड होता है, और रेड को लिखा है हमने इसने यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑड कौन सा है, तो ठीक है, तो इसमें ऑड हो जाएगा आपका SUWY, ठीक है? इसका देखते हैं पेंसिल, ठीक है, XNIQHJ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक को लिखा है PRIBUCEL, ठीक है? तो एन 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 ए सॉरी NATIONAL, नेशनल कैसे लिखना है? लास्ट में हो जाएगा एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला। सात 21, 21 ने 63, 63 ने 79, ये हो जाएगा आपका 567। हाउ विल द क्यूब लुक व्हेन अनफोल्डेड, ठीक है? सो इसमें ये देखते हैं 79, 59, 79, 29, 99। सो यहाँ पे हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। आते हैं आगे। फाइव पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, जीतू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बिट्टू, ठीक है? नॉर्थ में फेस किया है लेफ्ट या राइट। जीतू सिट्स सेकेंड, जीतू जो है सेकेंड राइट बैठा है, तो जीतू यहाँ बैठ जाएगा। रितु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T2, ठीक है? जीतू सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, सो
नीतू सिट्स लेफ्ट ऑफ रितु, नीतू सिट्स लेफ्ट ऑफ रितु, सेकेंड एक सेकेंड, तो सीट्स नहीं, तो सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रितु, यही बनेगा ना फिगर। सो हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स एडजेसेंट टू टी टू, जीतू बैठ रहा है, जीतू और एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया मैंने, इसको बाद में करते हैं दोस्तों, ठीक है। 124.85, 124.85, 86, मुझे लग रहा है यहाँ पे कैसे बनेगा, चेक साथ एक सौ उन्नीस, इसका डिफरेंस देखते हैं एक बार, ठीक है डिफरेंस आ रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपको 47, ठीक है। ये कर्सर क्यों नहीं हिल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। 14 4 56, 19 3 57, 13 8 जो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ये हो जाएगा, ठीक है ये होगा, इसको देखते हैं। एम एन ओ, मुझे लग रहा है एम एन ओ पी क्यू होगा, हाँ वही होगा, एम एन ओ पी क्यू, फिर एम एन ओ पी क्यू, फिर एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी टी, एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू आर हो जाएगा, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी आर, एन ओ पी एस, ठीक है एम एन ओ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये एस आ जाएगा ना यहाँ पे। सो एम एन ओ, तो ये बन जाएगा ना एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी आर, एम एन, ठीक है ये बनेगा। एल्यूरिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, रिपल्सिव उसका उल्टा होता है। रेयर स्कार्स पी टी मर्सी स्टेल फ्रेश, ये हो जाएगा ना उल्टा इसका, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जीस ग्रेटर देन स्मॉलर, स्मॉलर टू सी इक्वल्स टू एक्स, ग्रेटर है ई से, ई जो है वो छोटा है एफ से, एफ जो है बड़ा है वो बी से, बी जो है, ठीक है। तो एक्स जो है, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि रिलेशन नहीं है एक्स और बी में, ये नहीं होगा। सी इज ग्रेटर देन एम, नहीं ये भी नहीं होगा, तो नन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले देखते एक बार हम डिवाइड लगा करके, सो एक तीन पच्चीस पंद्रह, बराबर बारह प्लस छः माइनस आठ पंद्रह, अठारह में से आठ दस, ये नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, तीन पच्चीस पंद्रह,
बराबर 12, 18, ये नहीं होगा इसमें आते, ये हो सकता है मेरे ख्याल से 25 प्लस 5 कस टू 12 इंटू 6 प्लस 8 80 है, ठीक है ये हो जाएगा 13 दूनी 26, सेवेंटी एट इंटू फोर ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 312। आगे आते हैं मेडिटेशन ब्रीथिंग, ठीक है मेडिटेशन का रिलेशन है ब्रीथिंग से, जिमनेशियम का रिलेशन है वेट लिफ्टिंग स्ट्रेचिंग एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग जिम से स्ट्रेच तो नहीं होता है, पायलट्स वेट लिफ्टिंग हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये क्या बोला है, इन अ फैमिली ईच जनरेशन इज वन मेल एंड वन फीमेल, ठीक है एल डॉटर जो है, एल की जो बेटी है वो मैरिड है के सन से, के इज द फादर ऑफ, मतलब एम से मैरिड है वो, के इज द फादर ऑफ एम्स फादर, के इज द फादर ऑफ, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, एम ठीक है तो एम मतलब इसको, तो एम का ग्रैंडफादर के हो गया, ओ इज द मदर ऑफ एम, ठीक है तो के की बहू हो गई एम, एम ओ, पी इज द डॉटर ऑफ एच, इज एल रिलेटेड टू पी, सो डॉटर हो गई पी, ठीक है डॉटर हो गई ना फिर तो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ग्लेन्स आइदर लाइक मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है तो ग्लेन जो है या तो उसको मोबाइल या फिर लैपटॉप पसंद है, ग्लेन लाइक्स लैपटॉप विच आर नॉट ऑन सेल, सेल की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, ग्लेन डज नॉट लाइक वाइट कलर्ड मोबाइल्स, और ना इधर हो जाएगा ये तो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स नंबर्स इवन नंबर्स, ठीक है सो इंटीजर्स कैन बी प्राइम नंबर्स एंड इवन नंबर्स, सो ठीक है तो ये बन जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सम क्रिकेट इज फुटबॉल, सम क्रिकेट इज फुटबॉल ठीक है, सम बेसबॉल इज क्रिकेट ठीक है, नो बास्केटबॉल इज फुटबॉल, नो बास्केटबॉल इज फुटबॉल, नो बास्केटबॉल इज फुटबॉल नहीं है, ठीक है सम बास्केटबॉल इज फुटबॉल, सम बास्केटबॉल इज फुटबॉल ये भी नहीं है, ऑल फुटबॉल इज क्रिकेट, अगर सम फुटबॉल क्रिकेट है ठीक है, ये सब तो लास्ट वाला सही लग रहा है मुझे, तो ओनली थर्ड फॉलो हो जाएगा। नोटबुक नथिंग नॉर्मल नोड्यूल, सो इसमें देखेंगे हम 4 और 3 में से कौन बड़ा है पहले, सो 4 हो जाएगा बड़ा यहाँ पे, एंड लास्ट में 1 और 3 में देखते हैं एक बार, 1 और 3 में तो आर टी 3 बड़ा है, सो ये हो जाएगा ठीक है, इसमें लिखा है 120 प्लस 132 -6 एक सेकेंड नहीं सॉरी डिवाइड 6 6 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 12 ठीक है, सो करते हैं सो यहाँ पे 22 120 प्लस 22 -36 ये हो जाएगा 106 ठीक है। ठीक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल आया, तो
ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये उल्टा आ जाएगा, ये उल्टा आ जाएगा इसका, ठीक है, ये बन सकता है, हाँ ठीक है, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड एम्बेडेड, सो यहाँ पे एम्बेडेड है, नहीं, यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट वाला फिगर में, फोर्थ वाले में एम्बेडेड है। आगे बढ़ते हैं, इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, ठीक है, पहला बन सकता है, दूसरा देखते हैं, ये लाइन नहीं है कुछ भी, ये ठीक है, पहला ही बनेगा, ठीक है, ये नहीं आता है मुझे, KLM पी आ जाएगा पहले, ठीक है, तो PU आ जाएगा, ठीक है, ये देखते हैं, पॉइंट इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट ए जो है, पॉइंट सी इज 7 मीटर साउथ, साउथ ऑफ पॉइंट सी, यहाँ पे है 7, पॉइंट डी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ सी, ठीक है, 10 मीटर हो गया, एंड पॉइंट डी इज 13 मीटर टू द साइड साउथ ऑफ पॉइंट डी, देन जो पॉइंट ईस्ट टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ए, हाँ ये बन सकता है ना, ये वाला बन सकता है, पॉइंट ए इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, पॉइंट बी इज टुवर्ड द साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ठीक है, मुझे लग रहा है सेकंड में फॉलो कर रहा है, बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। मोस्ट ऑफ द एथलीट्स आर स्विमर्स, सम स्विमर्स आर आर्टिस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो एथलीट्स है वो स्विमर है, सम स्विमर्स आर आर्टिस्ट, ठीक है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो एथलीट कैन बी आर्टिस्ट, नो एथलीट्स, नहीं ये तो नहीं है, फॉल्स है, हो सकता है भाई, क्योंकि जो सारे एथलीट्स हैं वो स्विमर के अंदर आते हैं, और सब स्विमर जो है वो एथलीट्स हैं, तो ये तो हो सकता है, सम स्विमर्स आर एथलीट्स, सम स्विमर्स आर एथलीट्स, सारे एथलीट्स स्विमर्स हैं तो सम हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा ना, इसको देखते हैं, यहाँ पे ये बना है, इधर बन जाएगा, जो पूरा फिगर बनेगा, कंप्लीट फिगर, पांच फिगर हो जाएंगे इसमें, पांच लकीरें, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ठीक है, सेवन स्टूडेंट्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, थ्री स्टूडेंट स्कोर लेस मार्क्स देन बी, बी से नीचे 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एन स्कोर लेस मार्क्स देन एम, ठीक है, एम जो है एन से बड़ा है, ठीक है, जे स्कोर मोर मार्क्स देन ओ एंड एल, जे जो है बड़ा है ओ और एल से, ठीक है, 2% स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन के एंड ओ, फिर एम,
इसको बाद में करते हैं, मैथ्स में आते हैं। इन द मिक्सचर ऑफ 518, सो ये जो 9x और 5x की जो वैल्यू है, यानी कि 14 की वैल्यू सवाल में 518 है, सो एक की वैल्यू 37 हो जाएगी, ठीक है। और वाटर का पूछा है तो 9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 333 लीटर। इट्स साइन 2x, ठीक है, इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। सो साइन बराबर कॉस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स टू द एफसीएम ऑफ सेम नंबर्स इज 42:1। एलसीएम और एचसीएम का जो रेशियो है वो दे रखा है 42:1। द सम ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम इज 1075, ठीक है, यानी कि 43x की वैल्यू दे रखी है 1075, यानी 25 हो गई x की वैल्यू। इफ वन नंबर इज, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपना, तो एलसीएम हो जाएगा 105 और एचसीएफ हो जाएगा अपना 25, ठीक है। तो वन नंबर इस इतना इतना दे रखा है, यानी कि 1050 × 25 = x × 150। अब काटते हैं इसको 150 से, तो ये 7 बार में कट जाएगा, 25 × 175 आ जाएगा अदर नंबर, ठीक है। After 4 years, ओम्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ सीमास एज। 4 साल के बाद जो है ओम्स एज जो है वो सीमा से 3 हो जाएगा, 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। द रेशियो बिटवीन सीमा एज 5 ईयर्स हेंस एंड ओम्स एज 6 ईयर्स हेंस इज 14:41। ठीक है, यानी कि x प्लस 5 और x माइनस 6, नहीं x प्लस 6 इक्वल्स टू 14 और 41 है, और ठीक है इतना। इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसको बाद में करते हैं। अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 39 आवर्स। द फर्स्ट हाफ इज एट 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका एक्स अपॉन में 39 30 प्लस एक्स अपॉन में 39 35 इक्वल्स टू 39/60, नहीं 39 आ जाएगा सिर्फ। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 7, नहीं 30 35 का 210 आ गया एलसीएम। सो सेवन एक्स और प्लस 6x तो ये 13 को 3 बार में, ठीक है, तो 630 आ रहा है मेरा, तो
कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? इतना डिस्टेंस बोला है ना 13, 63, 3 मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे भी। फाइव किलोमीटर आवर, ठीक है 1260 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ इतना इतना एंड सोल्ड इट फॉर इतना द मार्क प्राइस, ठीक है। ये 10 की चीज़ है तो उसने बेची है 9 में, तो 5 की चीज़ है उसने बेची है 4 में, तो अल्टीमेट डिस्काउंट कितना मिला कस्टमर को वो देखते हैं एक बार। तो 14, तो 28%, तो 28% है, ठीक है, डिस्काउंट मिला है, यानी कि इस परसेंट में बेचा है उसको। और बेचा कितना में? 28, ठीक है। की चीज बहत्तर में बेच दिया, तो ठीक है 40,000 आ जाएगा फिर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी सेक स्क्वायर कॉस माइनस साइन थीटा tan theta equals to p sin 2 theta sec square को हम ले सकते हैं 1 upon cos square theta, ठीक है, into cos theta minus sin theta into tan theta को ले सकते हैं हम sin upon cos equals to p sin 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस यानी sec थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू पी साइन 2 थीटा आ जाएगा। इसके आगे क्या करेंगे? साइन 2 थीटा होता है 2 sin theta cos theta, ठीक है। सो इसके आगे क्या करेंगे मुझे अभी, चलिए इसको बाद में करते हैं, ठीक है। अभी का इसका निकालना है एलसीएम 5, 10, 40, तो 2 1 into 2 और into, ठीक है, तो यहाँ से 5, 2 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देर आर थ्री नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी 4:1 दे रखा है हमें। सी इज 30% मोर देन द सम ऑफ ए एंड बी, जो सी है वो 30% ज़्यादा है ए और बी के सम से, ठीक है। द सम ऑफ बी एंड सी इज 140,
बी और सी का दे रखा है हमें सम 150, सॉरी फाइंड द 30% ऑफ ए निकालना है हमें। ठीक है देखते हैं इसको। यहाँ से आ जाएगा अपना सी 30/100, ये 5x आ जाएगा। ठीक है, सी हमें गिवन है कितना, 150 माइनस बी, ठीक है 30 5x। अब 150 माइनस बी, 150/100, तो यहाँ से आ जाएगा अपना 150 माइनस 1000 इक्वल्स टू 150x। यह ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, सम ऑफ 630% मोर देन सम, ठीक है 30% मोर है यानी कि 3/10। यहाँ से अगर हम सी निकालेंगे तो 150 माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। इसको बाद में करते हैं, ठीक है। द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट एंगल प्रोड्यूस्ड एट डी सी बी जो है प्रोड्यूस्ड एट डी। राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, सी बी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। सच दैट सी इक्वल टू डी है। ओके मतलब पूरे की वैल्यू 28 है, मतलब 14 और 14 हो जाएगी, तो सी क्या होगा हमारा, ठीक है 28 है तो टी भी दे रखा है, ठीक है 14 14 हो जाएगा, ये 14 है, ये 90, छठी किस्म में आ गया 90, 104 तो 76 आ रहा है ये तो। व्हाट इज एचसीएफ लेंगे ऊपर वाले का नीचे वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा,
ठीक है, तो ये 6/17 हो जाएगा। टोटल 2 460 बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लू एंड वाइट वेयर इन यूज इन द डेकोरेशन। ब्लू वाइट और रेड मिला करके जो हमारे पास 460 बैलून्स थे। ठीक है, ब्लू बैलून्स आर 3/4 ऑफ द वाइट बैलून्स। ब्लू बैलून्स था 3/4, यानी कि फोर हमारे पास वाइट थे हमारे पास 4 और ब्लू थे हमारे पास 3। ठीक है, एंड 2/3 ऑफ रेड बैलून्स, इसका 2/3 यानी कि 8/3। सॉरी सॉरी सॉरी, 2/3 यानी कि 2। ठीक है, नहीं हमारे पास हो गए हैं टोटल 4 2। ठीक है, ये एक हो गए। ओके, सो 6 एक सेकेंड एक सेकेंड, दो बैलून्स हो गए। थ्री तो यहाँ पे 6 8 16 कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 150 आ रहा है। राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 48,000 फोर मंथ्स लेटर काजल ज्वाइन। ठीक है, यानी कि इसने लगाया 8 महीने के लिए पैसे और इसने लगाया था 1 साल के लिए। इसका रेशियो कितना हो गया, सिक्सटीन रेशियो नाइन हो गया। दे मेक दे प्रॉफिट इतना इतना, काजल शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि इसका हो गया आपका 64। छः हज़ार आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा 240 और प्लस 6 यानी कि 256, यानी 16 आ जाएगा। 16 24 100, ठीक है, 116 आ जाएगा यहाँ पे। नॉमिनी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8642 एट द रेट ऑफ 15% विल बिकम अमाउंट। इतना इतना तो टाइम निकालना है हमें। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो जाएगा 4321, ठीक है, इक्वल्स टू 100 इनटू अपॉन में 8642 इनटू 15, ठीक है। तो ये इसका डबल है 50, फिफ्टीन पॉइंट अगर 15 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में आएगा। क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है, इसको स्किप करते हैं। अनुज परचेज एन ओल्ड कार फॉर रुपीस इतना इतना स्पेंट इतना इतना, ठीक है। तो उसका जो सीपी हो गया वो अपने पास हो गया 80,000, 90,000 रुपये हो गया। 90 का उसने बेचा 1,80,000 में, 90,000 का फ़ायदा हो गया। तो 90,000 तो 100% का उसका पूरा फ़ायदा हो गया। कॉस्ट ऑफ 3 shirts and 2 jackets इतना इतना, ठीक है। तो 3x + 2y = 4200, x + 2x + जैकेट का निकालना है मेरा। चलो 600, एक सेकंड, एक शर्ट और एक जैकेट का प्राइस है, पूरे का प्राइस इतना है। तो इनटू 3 इनटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 6 × 12 = 4400 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या आएगा, 7³ (343) होता है 253, 132 आ जाएगा। वर्क कैन बी फिनिश इन 12 days by 28 workers, 28 × 12 if the work were to finish in 8 days, यानी कि
चीज को ना पा रहा। चौदह हो जाएगा फिर तो। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 8, 5, 12 एंड 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 8, 5, 12, 4 का। एक सौ बीस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फैजल डोनेट्स एवरी ईयर 9% ऑफ हर एनुअल सैलरी इनटू अ चैरिटी। इफ़ हिज एनुअल सैलरी इज रुपीज इतना इतना देन व्हाट इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन। माना उसकी सैलरी है 100%, 45,000 का 100% इनटू 20%। अगर वो उसको 80 पे बेच रहा है तो उसको इतना नुकसान आ रहा है। अगर उसको 120 की जगह सैंतीस 500 हो जाएगा इसका प्राइस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाइस। प्रोबेबिलिटी क्या सकता है, या तो 3, 4, 5 या 6, तो 1 आ जाएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। 11 का देखना हो तो हमें ऑर्डर इवन प्लेसेस पे देखना पड़ेगा। 1, 2, 6, 2, 8, इसको इसको 6, 7, 14 ये नहीं आएगा। 5, 6, 7 ठीक है, ये आ रहा है पहले ही आ रहा है। 10 आ रहा है ना इसका। ठीक है ये आएगा, हमें निकालना है इसको ए क्यू प्लस बी क्यू ना, तो 512 64 ठीक है। 5, 6, 8 आ रहा है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। जो साइड है वो है 2/3 ऑफ
ब्रेथ, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इस इतना इतना, यानी कि 2/3 × 2x, ठीक है। तो पेरीमीटर दे रखा है हमारे पास 126, यानी कि 7x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 126। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 18 और 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 आ जाएगा इसका आंसर। अब पेरीमीटर पूछा है ना, छः 24। एक सेकेंड दोबारा देखते हैं, स्क्वायर इस इतना इतना। से हमारे पास 36 आ जाएगा इसका आंसर, तो 24 नहीं 36 आएगा। हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 25%, रेडियस डिक्रीज बाई 10%, तो अप्रोक्सीमेट चेंज कितना आएगा। हाइट को हमने बढ़ाया है 100 से 125 किया है, ठीक है। एक सेकेंड, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 25% एंड इट्स रेडियस डिक्रीज, ठीक है। 100 से रेडियस हो गया आपका 100 से 90, तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच ना, यानी कि ठीक है, तो 1.25% का आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, टू कॉर्ड्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट टू, दो कॉर्ड्स हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। इफ ओ पी माइनस ओ एस इनका डिफरेंस दे रखा है, इसको बाद में करते हैं।
फाइंड द डेटास मोड एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली। मोड हो गया इसका 11, 11, 11 तीन बार रिपीटेड है, 24, तो 11 हो जाएगा इसका मोड, और मीडियन आपका हो जाएगा, इसको अरेंज करना होगा उसके लिए। सो 6, 7, 9, 10, 11, 11, 11, 13, 15, 24, 21 भी तो है, 24, ठीक है। ग्यारह हो जाएगा इसका, 11, 11 इसका हो जाएगा मोड, ठीक है। डायगोनल फॉर रोम्बस, इतने ने पेरीमीटर पूछा हमसे, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका फोर ए होता है ना पेरीमीटर होम उसका, तो यहाँ से हमारा साइड निकल जाएगा। पच्चीस हो जाएगा, 2400, ठीक है आ जाएगा। ठीक है हमारे पास कितने क्वेश्चंस बाकी हैं जो हमने नहीं किए हैं, ये देखते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स ये तो बाद में देखते हैं वाला, ये भी नहीं। हाँ ये ट्रायंगल ए बी सी डी तक प्रोड्यूस किया है, एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है। सो दैट्स इक्वल टू डी है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो जो डी आएगा सो ये भी आ गया 28, ये पूरा 28 है, तो ये 90, 90, 28, 118, 180, 2, ठीक है 62 आ जाएगा फिर तो, ठीक है। और कौन सा है, एक सेकंड में चार्ज लगा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया, वैसे भी ए बी
है देखते हैं एक बार इसको। वंस वी गॉट सेटल्ड इन एंड वी लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, वंस वी गॉट सेटल्ड इन वी लुक एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, माइन वाज द लास्ट टेक्स्ट इन द सेकंड रो। ठीक है, डी ए बी सी बन रहे हैं यहाँ पे। इसमें स्कोर कितना आता है अपना, सो स्कोर इज 114। मैथ्स में 4 गलत हो गए, रीजनिंग में 6 गलत हो गए, सो काफी इंग्लिश में दोनों रॉन्ग है, काफी गंदा स्कोर आया इस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।